दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास YouTube का कोई कर्मचारी या अधिकारी बनकर आपको जो पैसे की डिमांड करता है, आपको डराता है कि आपको वीडियो वायरल कर देंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ऐसे बहुत सारे वैसे तो वीडियो हमने बनाए, लेकिन हमने जिस तरीके से, क्योंकि जो लगातार हमारे पकड़ में जो आ रहा है वो एक संजय सिंह नाम से ही बोलकर आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्राइम का एक ऑफिसर भी आए या और तरीके से आए, लेकिन ये संजय सिंह कुछ ज्यादा ही आ रहा है। संजय सिंह को हमने फिर एक बार फटकार लगाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि संजय सिंह से जो कॉल करता है ये सारे आदमी एक ही आदमी है, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग ग्रुप है। ये संजय सिंह की आड़ में फ्रॉड कर रहे हैं, ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है, क्योंकि हमने दो तीन वीडियो पहले भी आपको संजय सिंह के रिलेटेड बनाए हैं जिसमें आपको संजय सिंह के बारे में बताया। तो ये जरूरी नहीं है कि संजय सिंह नाम का जो आदमी है वो एक ही व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति इस नाम को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रिमिनल जुड़े हुए हैं इस पूरे फ्रॉड में। तो आज हमने जिस संजय सिंह की जिस तरीके से फटकार लगाई वो सुनने योग्य। आपको मैं सुनाता हूं कि हमारी उस संजय सिंह की किस तरीके से बात हुई, किस तरीके से एक हमारे व्यूवर्स के साथ ये ठगी करने की पूरी कोशिश की जा रही थी, किस तरीके से उसको डराया जा रहा था। काफी परेशान होकर व्यूवर्स ने जब हमसे कॉन्टेक्ट किया तब जाके हमने संजय सिंह को किस तरीके से फटकारा, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बीके तिवाड़ी। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी संजय सिंह से बात हुई काफ़ी सुनने लायक है। किस तरीके से वो लोगों को उल्लू काटते हैं उनका, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ दो तीन बातें उनको बोली जिससे वो संजय सिंह अपना पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गया। चलिए इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, उसके बाद बताते हैं संजय सिंह क्यों छोड़कर भगा था। हाँ जी भाई साहब, कौन बोल रहे हो? हाँ, मैं संजय सिंह बात कर रहा हूँ सर, यूट्यूब के न्यू दिल्ली चांदनी चौक सेक्टर 18 की। अच्छा अच्छा सर, क्या हो गया? मेरे छोटा भाई है, ये क्या गड़बड़ होगी इससे? सर इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई लड़की का मैटर है, न्यूड कॉल सेक्स का वीडियो बना हुआ है इसका, किसी लड़की ने अपना जीमेल से यूट्यूब केयर में अपलोड किया है, इसका विद नंबर शो कर रहा था जिससे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ठीक है सर? अच्छा। तो यहाँ से कंफर्म कॉल किया जा रहा है कि वीडियो डिलीट कराना है, पब्लिक प्लेस करके सीबीआई इंक्वायरी के लिए फाइल सेंड करना है। तो इसमें बंदे ने जवाब दिया है कि मैंने साइबर में कंप्लेंट कर दिया है, बट एक्चुअली हमको कंप्लेंट से कुछ नहीं लेना देना होता है, यहाँ से बंदे के लिए कंफर्म कॉल किया जाता है कि किसी से गलती हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें 2 से 5 मिनट के लिए जो यूट्यूब चार्ज पे करना होता है, कन्फर्म वीडियो डिलीट हो जाएगा, डिलीट का व्हाट्सएप पे प्रिंट मिल जाएगा, आपका लाइफ सेव कर दिया जाएगा सर, ओनली व्हाट्सएप के लिए करना है सर। मान लो ये, जैसे अगर मान लो इसको डिलीट नहीं कराए तो क्या होगा? बट एक्चुअली यहाँ से आप डिलीट नहीं कराओगे ना, तो आपका यहाँ से वीडियो सोशल मीडिया पब्लिक वायरल बैन लग के, तो यहाँ से आपका फाइल जाएगा साइबर क्राइम ब्रांच के लिए, 24 घंटे के अंदर आपको होम पे आ जाएगा सीबीआई और मीडिया, आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, 2 से 2.5 लाख तक का जुर्माना होता है, 3 साल के लिए सलाखों में डाल दिया जाएगा किराए में। बट एक्चुअली काफी गंभीर अपराध है, लड़की का मैटर है, बट इसीलिए कॉल किया जाता है, किसी बंदे का बेवजह लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहते हम अपने हाथों से। सही बात है सर, किसी करनी भी नहीं चाहिए सर। पर इसमें तो आपने 3300 रुपए मांगे थे, इसने दे तो दिया आपको 3300 रुपए। बट एक्चुअली मेरे लिए कब दे दिया इसने 3300 रुपए? वो लड़की ने ले लिया, उस लड़की को दिए थे, उस लड़की को 3100 रुपए पे करना था, 3100 रुपए पे किया थे, उसने हमेशा बार बार पैसा मांग रहा था। सर सर अरे मेरी बात सुनिए 1 मिनट सीरियसली सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, देखो उस लड़की ने इससे 10,000 लिया, 5,000 लिया, 3300 लिया, 3500 लिया, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यूट्यूब केयर से संजय सिंह बात कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सर, ये जो साइबर ओनली 2 से 5 मिनट के लिए 4,500 रुपीज करना है, जिसमें 4,000 रिटर्न कर दिया जाएगा, 500 का चार्ज कटेगा आपसे। अरे सर सुनो, संजय सिंह जी सुनो मेरी बात, अगर मान लो सीबीआई है इनको कितने दिन बंद कर देगी, मान लो अगर पकड़ेगी तो? बट एक्चुअली देखो मेरी बात सुनिए आप, वो हमको इतना कंफर्म नहीं होता है कि इसमें जो प्रावधान आता है, जो उसमें पड़ोसी से आता है, ठीक है? हाँ। जो लड़की का मैटर है काफी गंभीर अपराध है, इसमें 3 साल के लिए जेल हो सकता है, ठीक है? 2 से 2.5 लाख का जुर्माना होगा, वो भुगतना पड़ेगा आपको, इसीलिए कॉल किया जाता है यहाँ से कि हम नहीं चाहते किसी बंदे का व्यवसाय हो जाता है, गलती ऐसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है? आप बट एक्चुअली इसमें कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसमें जो ट्रांजेक्शन पे करना है आपको 4,500 रुपए ओनली 1 मिनट के लिए, जैसे ही वीडियो डिलीट होता है 4,000 तो आपका रिटर्न कर दिया जाएगा, ओनली 500 रुपए का आपसे चार्ज कटेगा सर। सर
सर आप ये इतना ऐसा इतना जो ये आप जो काम कर रहे हो ना, ये कितने लोगों के साथ कर लेते हो एक दिन में? बट एक्चुअली यहाँ से जो भी मैटर आता है उसी के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ऐसा कितने लोगों के साथ कर लेते हो ऐसा, जो ये अभी आप इस भाई के साथ कर रहे हो ना, ऐसा कितने लोगों के साथ कर लेते हो दिन में? मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ बोलिए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा कितने लोगों के साथ, कितने लोगों से पैसा ले लेते हो पर डेज? बट एक्चुअली देखो, हम अपने लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, ठीक है? जो अरे वो तो ठीक है भाई साहब, मैं आपको आपको मैं ये नहीं कह रहा, आप तो मैं तो यूट्यूब की कह रहा हूँ, यूट्यूब वाले इतना कर करके लोगों के साथ एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं? बट एक्चुअली इसमें पैसा इतना थोड़ी आता है, जो फाइन चार्ज यूट्यूब चार्ज जो होता है ओनली 5,000 रुपीज का होता है, 4,000 आपका लाइन पे रिफंड कर दिया जाएगा, जैसे ही वीडियो डिलीट होता है तुरंत 4,000 रिटर्न कर दिया जाएगा। 4,000 रुपए आपने कितने लोगों को वापस किए हैं आप बता सकते हो मेरे को? बट एक्चुअली उससे क्या है, आपको ये बताइए ना, आपको मैटर अपना क्लोज कराना है नहीं कराना है? अरे सर मैं तो बट एक्चुअली में मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप ऐसा कितने लोगों के साथ कर ले। क्या है ना कि मैं क्या है, बेरोजगार हूँ, मेरे पास काम धंधा तो है नहीं, तो मैं भी सोच रहा था आपके साथ मैं भी आ जाऊँ काम कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई आपका बाप का राज है क्या जो आपको? नहीं नहीं, तो अरे आप बताइए ना, आप तो हमारे मिलने वाले ही हो यार सर, आप मेरे भी करवा दो यार, मैं भी लग जाऊंगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? बट एक्चुअली आप मैं क्या कर सकता हूँ इसमें आपका? बट एक्चुअली में ये कब वैकेंसी कब निकलती है यूट्यूब की? हेलो सर, देखिए कॉल मत कीजिए मेरे पास में, नो कॉल नो मैसेज, कॉल करने के लिए। अरे सर वो तो मैं नहीं करूंगा, वो तो मेरी बात सुनो, आप फोन कर रहे थे, अदरवाइज कॉल रिकॉर्ड होता है, बट एक्चुअली पूरा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। अरे सर वो तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो कॉल हमारे पास भी हो रहा है, वो नहीं कह रहा मैं आपसे, ठीक है? दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं नहीं सर, मैं आपको पैसे दे दूंगा 4,500 रुपए। अब मैंने उसको कुछ बोला है? नहीं। अब देख लो तुम्हारे सामने फोन, वो कट करके भगा ना, मैं थोड़ी भगाऊं। वो तो बस है। तो आपने देखा, हमने इसमें कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उससे हमने 2-3 बातें रिपीट की कि भाई आप ये कितने लोगों के साथ करते हो, आप जो ये पैसा कमा रहे हो कितना कमा रहे हो। वो हमको बार बार इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन हम भी उसके पीछे लग गए। अंततः हमने उसे पूछ लिया कि भाई YouTube में कैसे ज्वाइनिंग किया जाता है, इसकी वैकेंसी कब निकलती है, यानी कि वो बिल्कुल समझ गया कि वो फ्रॉड है। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के फ्रॉड में फंसे हुए हैं, आपको इन चीज़ों को समझकर, या फिर जैसा कि हमारे इस पूरे वीडियो में आपने देखा, इस वॉइस में आपने सुना, ये भी आप ही की तरह एक व्यूअर्स है हमारे, उनके साथ ये चल रहा था, काफ़ी परेशान थे, और उनकी जिस तरीके से हमने मदद की, उनके बीच में कॉन्फ्रेंस पर आकर हमने बात की, और किस तरीके से बहुत ही आसान वे में इन लोगों का पीछा छुड़वा दिया। यानी कि आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करके बहुत आसानी से इन लोगों से बच सकते हैं। और अगर आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग करके और इस तरीके से आप उनके साथ पेश आकर, यानी कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप हमें भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम YouTube के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अवेयर करने के पर्पज से प्रसारित करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का कोई फ्रॉड करने वाला या फिर इस तरीके की कोई घटना हुई है, आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, उसकी कंप्लीटली डिटेल आप हमें या तो मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें भेज सकते हैं, और उसको हम अवेयरनेस के तहत एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जरिए या फिर आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा सकते हैं, आप ही के साथ और लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।